अस्सलाम वालेकुम जी खवातीन हज़रात, मैं आपको बताता हूँ कि बैंक में अगर बैंक का सिस्टम बंद हो तो आपको उसके पैसे कैसे निकलवाने चाहिए। मैं अभी पिछले दो दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, खजल ख्वार हो रहा हूँ कि मुझे पैसे निकलवा के दो। पैसे निकलवाने में बैंक की ब्रांच नहीं बताऊँगा, खैर वो थोड़ा सा मसला बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बैंक आपको कह रहा है कि आपका उसका सिस्टम ख़राब है, वेट करें 5 मिनट 10 मिनट घंटा आधा घंटा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करें और उनका कहें कि भाई इनका सिस्टम ठीक करें। और बाकी क्या करना चाहिए इस वॉइस कॉल के अंदर आप सुने कि उनको क्या करना चाहिए। और हाँ, इस वॉइस कॉल के अंदर मैंने पंजाबी इसलिए बोली है कि अपनी ज़बान को मैंने प्रमोट किया, दूसरी चीज़ कि मैंने देखना था कि क्या HBL की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं अगर मैं पंजाबी बोलूँ। अगर पंजाबी बोलूँगा तो क्या पंजाबी की बोलने की वजह से वो मुझे टाल देंगे या मेरा मसला सॉल्व करेंगे? तो मसला सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। मैडम क्या हाल है? हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह साहब बताइए। मैडम मैं बैंक जाया है, एक दो नाम है जी, ते इथे मैं दुआ ताड़ा में पैसे गिनने आया ते जड़ा ते रोज आना ने सिस्टम खराब है। तुसी ना सिस्टम क्यों नहीं सही करके देने या तनख्वाह नहीं देने ना? सर मर्दान की ये ब्रांच नहीं, है ब्रांच और इसका ब्रांच कोड है। मैं सर ब्रांच में कॉल करके कंफर्म कर लूं। हाँ काइंडली कंफर्म करो, आज दो दाड़ा को मैं आना पे थे रोज आना तो नाने जी बैंक ना मसला है। नहीं तो बस 10 बजे तो बैंक के बाद जरा पैसे ना भिजवाए करें, क्योंकि मैं पहले भी तुम को आ रहे हैं तो तुम अजीब बंदे खजल खुआर करने तंग करने हो बंदे। अगर तुम पैसे नहीं देने होने तो बस असं ना भेजा करें, बस असं और किसी बैंक भेजा करें। तो हूँ असा को गलती हो गई, तुम बैंक भेज देते तो मेहरबानी करो, हूँ चाह दो ना पैसे। ठीक है, आपसे कैश डिपोजिट करवाने आए हैं? नहीं नहीं मैं पैसे कढ़ाने से आया हूँ जी, वेट कीजिएगा। बारह पैसे आए अपन वो कढ़ाने बैंक चो जी, लाइन पे रहेगा, प्लीज होल्ड कीजिएगा सर, मैं ब्रांच में कॉल कर रही हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी करो जरा। अच्छा, जैसे ही कॉल दोबारा वहाँ से अटेंड हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर बैंक में जाएं और वहाँ पे किसी से भी मेरी बात करो, तो वहाँ पे मैं डर गया। मैंने कहा अंदर गया तो वो सारी बातें बेइज्जती करेंगे कि भैया आपने हेल्पलाइन पे क्यों कॉल की। तो मैं डर के मारे अंदर चला गया, किसी वहाँ पे एक बंदा बैठा था तो मैंने उसको दे दी, मैंने कहा ये ज़रा बात करें। उन्होंने बात की तो उनकी वो दुलाई हुई उसके अंदर कि वो मैं यहाँ लगा नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने उनका यही था, जी जी मैम, यस मैम, ओके मैम, नहीं वो एक पता नहीं छोटा सा मसला था, सॉल्व हो गया। अभी मुझे कह रहा था वो बंदा भाई 5 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो अभी हम उधर खड़े हुए थे, अभी तक कोई मसला सॉल्व नहीं उसका हुआ था। तो जैसे ही मैं फ़ोन दिया वो कहता सर मैम मसला सॉल्व हो गया, मैम अभी मसला सॉल्व हो गया। तो उसी वक्त उन्होंने पैसे भी दिए मुझे, कहते हैं हाँ भाई आपको किसने कहा है कि हम आपको पैसे नहीं देते? मैंने कहा आप कह रहे हैं हमारा सिस्टम ख़राब है, हम पैसे नहीं देते। मैंने हेल्पलाइन पर कॉल किया उनको, मैंने कहा कि यार इनका सिस्टम ठीक करो, आप इनको पैसे नहीं देते, इनको तनख्वाह नहीं देते, इनका सिस्टम ठीक करो ताकि मुझे पैसे दें। तो मैंने इतनी सी बात की, ठक करके 2 सेकंड लगे, उसने पैसे दिए और मेरा काम हो गया। तो ये तरीका है वारदात है किसी भी बैंक का सिस्टम ठीक करने का। तो अगर आपको भी इस तरह की किसी मसले से दो चार होना पड़े तो ये तरीका कार है।